हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्सा किचन। और आज हम बनाने वाले हैं खीर। और यह खीर नवरात्रि और व्रत में बनाई जाती है। तो यह नॉर्मली चावल की नहीं बनाई जाती, वह व्रत उन सामानों से बनाई जाती है जो व्रत में यूज किए जाते हैं। तो चलते हैं और बनाते हैं व्रत या नवरात्र में बनाई जाने वाली खीर। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है। इसका पतला नीचे से थोड़ा भारी होना चाहिए और उसमें जाएगा मेरा 1.5 से 2 kg मिल्क। मेरा यह दूध फुल क्रीम है। आप चाहें तो टोंड या कोई भी और जो दूसरा आप दूध यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमारे यह समाई चावल है, या देखिए कुछ इस तरीके के होते हैं। होते जरूर ये चावल हैं लेकिन व्रत में खाए जाते हैं। और यह देखिए कुछ इस तरीके से मोती जैसे दाने होते हैं। और साथ ही मैं इसके लूंगी साबूदाना। समाई चावल बहुत फैलते हैं इसलिए हमें 1/4 कप ही लेने हैं। और साथ ही ये साबूदाना है, इसको मैंने रात में भिगो दिया था और सुबह या कुछ इस तरीके से बड़े बड़े दानों में फूल कर रेडी हो चुका है। इसका हमें पानी निकाल लेना है और यह भी 1/4 कप है। अंदाज से आप ये लगा लें कि 1/2 कप आपका ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए और 2 kg आपका मिल्क। मिल्क को हमें एक उबाल लेना है। इस तरीके से देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं हम, जब नॉर्मल खीर बनाते हैं उसमें दूध को पहले ही थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने जो साबूदाना है उसका पानी अलग कर लिया है, उसको इसमें पोर कर देंगे। और साथ ही देखिए इसे चलाने के बाद यह कुछ इस तरीके का फीलिंग देगा। और ये देखिए साथ ही जाएगा मेरा समाई चावल। इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर धोकर इसका पानी निकाल लिया है और इसे भी मैं खीर में ऐड कर दूंगी। और इन सभी दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके ही मैं खीर बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग खीर भी बना सकते हैं, या साबूदाने की या समाई चावल की। बस ध्यान रहे उसी जिस भी चीज़ की आप एक ही खीर बनाएंगे उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा करेंगे। सच मानिए फ्रेंड्स, जब भी आप इन दोनों को मिक्स करके खीर बनाएंगे तो आप सिंपल किसी एक ही चीज़ की खीर बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि साबूदाना और समाई चावल का दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। और यहाँ मैंने गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है। और खीर के साथ ही हमारे यहाँ हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने जा रहे हैं, जिसमें मैंने 6 छोटी इलायची ली है, कुछ काजू टुकड़ा लिए हैं, कुछ बादाम लिए हैं, कुछ चिरौंजी और एक नारियल का टुकड़ा। इन सभी को हमें छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कर लेना है। साथ ही यहाँ मैंने केसर के दाने हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। और इसको मैं अलग रख दूंगी कि ये अपना पूरी तरीके से कलर छोड़ दे। यहाँ पर देखिए मैंने सभी चीज़ों को बारीक कर दिया है। बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दूंगी, नारियल को मैंने ग्रेट कर दिया है और काजुओं को मैंने भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रखा है। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं। मैं किसी भी चीज़ को फ्राई नहीं करूंगी, डायरेक्ट ऐसे ही ऐड करेंगे। चलते हैं अपनी खीर की तरफ। देखिए खीर काफ़ी थिक हो चुकी है। साबूदाना और समाई चावल दोनों ही देखिए अंदर से अच्छे से फूल चुके हैं। बस थोड़ी देर और इसको थिक करना है। ऐसे ही लगातार चलाते हुए आप इसे थिक करेंगे। और मैं यहाँ गैस की फ्लेम थोड़ी हाई कर दी है और इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। यह देखिए बहुत ही जल्दी यह उबाल आने लगेगा और यह और भी गाढ़ी होने लगी। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी। और साथ ही जाएगी मेरी इसमें 1/2 कप चीनी। आप अगर मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, या लेकिन यह खीर थोड़ी कम मीठी ही अच्छी लगती है। क्योंकि आपने अभी चीनी ऐड किया है तो आप इसे हाई फ्लेम करके लगातार चलाते हुए थोड़ी देर और पकाएंगे, जिससे कि चीनी नीचे तली में लगे ना और यह अच्छे से घुल जाए।
देखिए फ्रेंड्स, मेरी चीनी भी इसमें अच्छे से पक चुकी है, कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो चुकी है। अब जाएंगे इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैं काजू सबसे पहले, इसके साथ ही बादाम और नारियल का बुरादा। आप चाहें तो मार्केट वाला बुरादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेट किया हुआ बुरादा ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, क्योंकि यह बहुत ही महकता है। और साथ ही जाएगी चिरौंजी। मैं यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, इसमें मैंने किशमिश ऐड नहीं किया, क्योंकि किशमिश खीर में थोड़ी खटास पैदा करती है, जो मेरे को अच्छी नहीं लगती है। अगर आप किशमिश खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें वो भी ऐड यहीं पर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले तो हम थोड़ी देर और पकाएंगे, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और जो मैंने इलायची है उसके अंदर के दाने निकाल लिए, और इसमें जो ऊपर के खोल हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इनमें भी एक अलग खुशबू आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, खीर काफी अच्छे से पककर रेडी हो चुकी है और कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो चुकी है। तो बस चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर जो इलायची का पाउडर है वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी, और गैस की फ्लेम मैंने यहाँ ऑफ कर दी है, क्योंकि इलायची के पाउडर को हमें लास्ट में ही ऐड करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं, बहुत ही सुंदर और कलरफुल लुक आ रहा है। देखिए, लग रही है ना शानदार, एकदम रबड़ी जैसी खीर। और बस जो हमने केसर उसमें पानी में भिगो कर तैयार कर रखी थी, उसको यहाँ ऊपर से हम ऐड कर देंगे, और इसका येलो कलर अपने आप बहुत ही शानदार लुक देकर ऊपर से आएगा। आप चाहते तो केसर पहले भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मैं इसे लास्ट में ऐड करना ही अच्छा लगता है। तो देखिए, मेरी खीर रेडी है, आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, समझ आई है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।